और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपचुनाव की, जहां बुधनी और विजयपुर प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। बता दें कि बुधनी में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक भव्य रोड शो भी करेंगे। रोड शो के साथ ही एक चुनावी सभा भी होगी, प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विजयपुर में आज कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा का नामांकन फॉर्म भी भरा जाएगा और जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह इस दौरान प्रत्याशी के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख और ऐसे में दोनों ही दल के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संवाददाता सूरज हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, आज अंतिम तारीख है, आज प्रत्याशियों को फॉर्म जमा करना होगा, ऐसे में बुधनी और विजयपुर में कल की तरह आज भी चुनावी माहौल देखने को मिलेगा जब प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। देखिए बिल्कुल, दोनों सीटों पर नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज इन क्षेत्रों में नॉमिनेशन फॉर्म कर भरेंगे। खासतौर से बुधनी की बात करें तो जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमाकांत भार्गव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार 18 साल से वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित तमाम जो मंत्रीगण हैं वो मौजूद रहेंगे। बुधनी में नामांकन भरा जाएगा, उसके पहले एक रोड शो होगा, सभा भी होगी। तो कुल मिलाकर बुधनी की जनता को कैसे एकजुट फिर से रखना है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में शिवराज को जीत मिली थी वैसे ही उपचुनाव में भी रमाकांत भार्गव को जनता का वोट मिले, इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं यदि विजयपुर की बात हो तो कांग्रेस भी तमाम नेताओं के साथ वहां पर पहुंची है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी की बात हो, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो विजयपुर पहुंच रहे हैं, वहां पर भी आज नॉमिनेशन किया जाएगा। मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो आज आखिरी दिन है और दोनों पार्टियों के नेता वहां पर सभा करेंगे, नामांकन फॉर्म जमा करेंगे और कहीं ना कहीं एकजुट का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए चुनावी माहौल बना हुआ है और